इंद्री के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की एक छात्रा के साथ हुई मारपीट के मामले में एक नया मोड़ आया है। इस बारे में स्कूल के अध्यापक कुलदीप सिंह का कहना है कि इस मामले को तूल दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्कूल में मासिक पेपर लिए जा रहे थे और उसकी ड्यूटी 9वीं कक्षा में लगी हुई थी। पेपर शुरू होने से पहले सभी को नकल ना करने की हिदायत दी गई थी और समझाया गया था कि जो भी बच्चों को पेपर सही आता है वो ही पेपर में लिखे। 9वीं कक्षा की छात्रा निशा जब पेपर दे रही थी तो कुलदीप सिंह ने देखा कि उसने अपने कार्डबोर्ड पर दो पेपर चिपकाए हुए थे, जिसके बाद वो इन कागजों को छुपाने लग गई। जब कुलदीप सिंह ने छात्रा को पेपर ले लिया और उसको नकल ना करने के बारे में समझाया तो लड़की को यह डर हो गया कि कहीं उसका नाम स्कूल से ना काट दिया जाए। इसके बाद लड़की के माता पिता आए और उनको भी सारी बात बताई गई और वह संतुष्ट होकर वहां से चले गए। अध्यापक कुलदीप सिंह ने बताया कि कुछ देर बाद ये लोग अपने साथ पत्रकारों को लेकर आ गए, उनको भी सारी बात बताई गई। कुलदीप सिंह ने कहा कि उसके मन में बच्ची के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है। उन्होंने बताया कि लड़की खुद मान रही है कि वो नकल कर रही थी और उसके पास कागज थे। उन्होंने कहा कि स्कूल में सही तरह से शिक्षा दी जा रही है। सुबह प्रार्थना के समय नैतिक शिक्षा के बारे में बच्चों को समझाया जाता है। केवल अच्छे नंबरों से पास होना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, हमें अपना चरित्र मजबूत बनाना चाहिए। इस बारे में जब लड़की से बातचीत की गई तो उसने बताया कि सामाजिक के पेपर के दौरान उसके पास गाइड के दो पेपर थे जो कि वह गलती से साथ ले गई थी। उसने बताया कि जब सर ने उससे पेपर वापस ले लिया तो वह डर गई थी कि अब मेरा नाम स्कूल से काट देंगे। उसने बताया अध्यापक ने उसे थप्पड़ भी मारे हैं। छात्रा ने घर आकर अपने माता पिता को सारी बात बताई। निशा की बहन शिवानी ने बताया कि वह पेपर के समय बाहर बैठकर पेपर दे रही थी, जबकि उसकी बहन अंदर कमरे में पेपर दे रही थी। उसने बताया कि उसकी बहन ने उसे बताया कि उसने सर ने मारा है, वह नकल कर रही थी। स्कूली छात्रा निशा ने बताया कि वो पढ़ना चाहती है, उसकी मांग है कि उसकी पिटाई ना की जाए और उसे स्कूल से ना निकाला जाए, वह स्कूल में पढ़ना चाहती है। मेरा नाम शिवानी है, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं निशा के साथ ही पढ़ती हूँ। क्या बात है जी? निशा मेरी बहन है जी। पेपर हो रहा था जिस मार्च का, मैं बाहर थी, इसके रोल नंबर अंदर था और मेरा बाहर था, तो एकदम से ही पिटने की आवाज़ें आई तो एक लड़की ने बताया तेरी मैम को सर बहुत मार रहे हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस पेपर दे के मैंने इससे पूछा क्या हुआ, कह रही है सर ने मुझे बहुत मारा है। क्यों मारा? कारण क्या था? कह रही थी कि भाई मेरी गाइड के पेज फट गए थे तो एकदम से सर आ गए। मैंने उसे बैग में रखने की कोशिश की तो सर ने मुझे देख लिया तो सर ने मेरे बाल पकड़ के मुझे मारा। तो मतलब उन्हें क्या शक हुआ कि नकल कर रही थी? या, हाँ जी, नकल का आरोप लगे अभी नकल कर रही थी। हाँ जी। मेरा नाम निशा है, मैं 9th A में पढ़ती हूँ। मेरा परसों पेपर था सामाजिक का, उसमें जब मैं पेपर दे रही थी इससे कई दिन पहले मेरी गाइड के पेज फट गए थे, वह मैंने गत्ते पैर में रख दिए। जब सर एकदम से पेपर लेने आए मैंने निकालना भूल गई और फिर सर मैं बहुत डर गई। अक्सर मुझे देखेंगे तो मुझे बहुत मारेंगे और पापा को भी बुलाएंगे। फिर मैं हड़बड़ी में उसे निकालना भूल गई थी, मैंने पेपर दिए, सर ने मुझे मैं देख ली और फिर सर ने मुझे बहुत मारा। तो क्या कहाँ कहाँ पिटाई करी, क्या मारे आपको? थप्पड़ मारे और चोटें भी फाड़ी थी जी। नीरे थप्पड़ मारते, दूसरी क्लास तक आवाज आ रही थी जो पेपर होने के बाद। फिर क्लासों में से लड़कियां आके पूछ रही थी आप क्लास में से कौन सी लड़की है जिसको सर ने मारा, हमारे क्लास तक आवाज जा रही थी। तो किस चीज का पेपर था? सामाजिक। अच्छा, तो आपकी सिस्टर भी वहीं पढ़ती है? हाँ जी, उसी क्लास में है। हाँ जी। तो फिर शिकायत करी आपने प्रिंसिपल को? कहा भी मेरे को टीचर ने इसमें से मारा? नहीं जी, मैं फिर घर आके रो रही थी। फिर पापा ने पूछा क्या हुआ, मैं कहा पापा ऐसे ऐसे हुआ। फिर पापा गए, मैडम ने मेरे पापा को थाने में जाने की धमकी दी। मगर मैं अभी रिपोर्ट कर रही हूँ, अभी जाऊँगी। अच्छा, तो स्कूल में गए थे आपके माता पिता? हाँ जी जी। फिर पापा से, जब मम्मी और पापा स्कूल में आए तो उसके बाद हमारी मैडम जो उनसे हमारी इंचार्ज जब वो आई वो कहने लगी कि मैं नहीं रखती तुझे, तेरा नाम काटूंगी। हमारी इंचार्ज ने, त्रिशला मैम ने। त्रिशला मैम किस चीज की टीचर हो? सामाजिक की। तो आज स्कूल में नहीं गए बेटा?
आज छुट्टी है। छुट्टी है तो क्या आप डर लग रहा आपको, क्या बात हुई, क्या बात है? स्कूल जाओगे? जाना तो चाहती नहीं, फिर जाना तो पड़ेगा ही। तो क्या प्रिंसिपल को शिकायत क्यों नहीं करी आप लोगों ने? इस तरह से बात होगी, छुट्टी होने को थी। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ कि मेरे आगे से ऐसी पिटाई ना हो। स्कूल जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं आप लोग? जी। क्या मैटर है ये लड़की वाला कुछ? ये सर कुछ भी मैटर नहीं है, एक रूटीन स्कूल वर्क है। नाइन सारी क्लासों की हमारे यहाँ मंथली टेस्ट चल रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, तो असेसमेंट के टेस्ट होते हैं ये अगस्त में। तो ये नाइन्थ क्लास के अंदर पेपर थे, मेरी ड्यूटी लगी हुई थी एज ए ऑब्जर्वर वहाँ चेक करने के लिए। तो बच्चों को जैसे हम समझाते हैं बच्चों को, कहा गया पेपर शुरू होने से पहले कि ये आपके असेसमेंट के लिए हैं, तो आपने बिल्कुल भी इसमें चीटिंग वगैरह नहीं करनी है, जो आता है वो करना, ताकि हम बच्चों को असेस कर सकें कि कौन बच्चा किस लेवल पे, उस हिसाब से आगे आपकी तैयारी करानी है या दो महीने के अंदर किस बच्चे ने कितना किया है। तो काफ़ी बताने करने के बावजूद भी फिर दौरान मुझे शक हुआ इस लड़की पे, तो मैंने जाके इसके देखा, तो ये पेपर के साथ ये दो पेज इसने गाइड के फाड़ के अपने गत्ते के ऊपर रखे हुए थे और उसने से नकल के लिए। तो मैंने जब उसको देख लिया तो छुपाने देने से मना करने लगी कि नहीं, तो मैंने कहा नहीं दे, वो कागज़ जो नकल थी उसके पास लेने के लिए, पेपर भी उसके साथ था ये, तो उससे छीना गया, जब लिया तो उसमें देख सकते हो आप पेपर भी फटा हुआ ये, और उसके ऊपर मैंने लिख दिया और वो कागज़ भी ये दो वो जो नकलें हैं वो साथ अटैच करके, तो मेरे जैसे पेपर पूरे बच्चों के सबके पेपर ले गए मैंने, तो वो दे दिए। तो बच्चे को शायद ये डर हो गया होगा कि मेरा केस पकड़ा गया है, मुझे मेरा पता नहीं नाम काटे या ना काटे, हो सकता है क्लास में जा रहे हैं किसी ने थोड़ा बहुत डराया भी हो उसको, मैं नहीं कह सकता उसके बारे में। तो ऐसी कोई खास बात नहीं थी। अगले दिन वो बच्चे के पेरेंट्स आ गए तो उनको समझाया गया, वो कहने लगे नहीं आपने बहुत ज़्यादा बच्चे को मारा ये वो किया। हमने कभी आगे सामने बच्ची को बुला लो, तो बच्ची को बुलाया गया, वैसी खास बात नहीं थी। और टीचर भी थे उसके साथ भी एक दो जने, उसकी मदर भी थी वो भी थे, तो उनको बात बताई गई कि हमारा बच्चों से कोई द्वेष भावना नहीं, या आपकी बच्ची से बताओगी कोई मेरी द्वेष की भावना हो या किसी से दुर्भावना से, किसी अपने बच्चे समझ के हम इनको कंट्रोल करते हैं, रखते हैं प्यार से। अगर किसी बच्चे ने थोड़ा बहुत वो पेपर उससे कागज़ थे वो लिए गए हैं, बाकी ना इसको स्कूल से निकालते ना कुछ करते, थोड़ा बच्चे को डराने के लिए होता है कि आगे से ऐसा ना करे। तो ऐसी कोई भी बात नहीं, वो उनको बिल्कुल समझा दिया गया, वो जस्टिफाई हो गए, वो चले गए थे यहाँ से शांत हो के। बाद में उसके थोड़ी देर बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, वो जो उसके साथ आया था एक आदमी उसके फादर के, उसकी मदर वो तो नहीं आए, फिर वो दो तीन पत्रकारों को लेके आ गए। तो मैं तो उधर क्लास में गया हुआ था, प्रिंसिपल मैडम के पास बैठे मुझे बुलाया गया, उन्होंने बातचीत सुनी, उनको मैंने सारा अपना पक्ष रखा। तो वही यही बात जो आपको, उनके पेरेंट्स को बता दीजिए, चेक करके भेज दिया गया था। थोड़ी देर बाद फिर वो दो तीन पत्रकार आ गए, उन्होंने भी ये बात उनके आगे भी ये पक्ष रखा कि उनको बार बार ये पूछा गया कि कोई कारण तो बताओ कि हम आपके बच्चे से कोई हमारी दुर्भावना हो या हम आपको जानते हो पहले से आपके साथ कोई हो क्यों है। तो एज ए टीचर कंट्रोल करने के लिए बच्चों को एग्ज़ाम दे रहे थे, तो उसके अंदर उस बच्चे ने गलती की जिसका ये प्रूफ है हुआ है, और वो आज पता लगा है कि जैसे आप लोग बता रहे हो कि कोई चैनल वैनल पे कहीं खबर भी चल रही है उसमें वो लिया था, उन्होंने बच्ची की स्टेटमेंट भी ली होगी पत्रकारों वगैरह ने, और उसमें आप देख सकते हो लड़की खुद मान रही है कि हाँ मेरे पास कागज़ थे सर ने मेरे से वो लिए। तो इस बात को तुर क्यों दे जा रहा, कारण क्या है, क्यों हम इसके बारे में तो उनकी तसल्ली नहीं हो पाई पेरेंट्स की? नहीं तसल्ली हमने तो अपनी तरफ से देखो, उन्होंने यही कहा कि बच्ची को भी आप, हमने कहा कि अगर आप कहते हो तो नहीं मारेंगे, तो मैंने कहा मेरी तो क्या है, मैं पूरे स्टाफ की तरफ से कोई कुछ नहीं कहेगा, पर आप अपने बच्चे को शह दे रहे हो उसका नुकसान करोगे। ये बात भी उनको समझा के भेजी, और वो उसकी मदर और वो बिल्कुल वैसी होगी चले, वो कहने लगे भी चले जाओ यहाँ से, तो हमारे उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। बाद में फिर किसी ने क्या किया क्या नहीं, फिर वो पत्रकारों को लेके उनके आगे भी यही बात की गई, उन्होंने पूछा भी आपको क्या क्या, पत्रकारों ने कहा, मैंने कहा पूछे इनको क्या कहते, तो उन्होंने कहा भी, मैं कहा बिल्कुल हम क्यों मारेंगे, अगर पेरेंट्स ही ये कहते हैं, हमारे पास तो ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं जो आगे कहते हैं जैसे मर्जी करो बच्चा पढ़ना दीजिए कितना हम इसको मारो, हम क्यों, ये तो नहीं है पेरेंट्स कह जाते तो हम उनको मारते रहते हैं टाइम, तो जो पेरेंट्स जैसा कहेगा, हमने कहा कि अगर डांट रहे हैं आपको इतराज है तो हम टीचर्स को बोल देंगे बाकी किसी को भी कि पढ़े ना पढ़े, पर बच्चों यही समझाया गया उनको यही बात है। ये जो वीडियो है हाँ जी, ये पढ़ाई में कैसा है, कैसे इसका व्यवहार मतलब स्कूल में रहता है, नहीं दूसरे बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार है इसका? नहीं ये तो इंचार्ज या वो दूसरे बता सकते हैं, मैं इसके बारे में गलत कमेंट नहीं करूंगा कि मैं ऐसे बच्ची के बारे में कोई कहूँ, क्योंकि मेरी तो एक दिन पढ़ाई के मामले में भी आप लोगों ने पढ़ाई के मामले में भी देखो, अब मैं नाइन्थ में भी हमारे पास आए पहली बार ही उनके टेस्ट हो रहे हैं,
तो कैसा है बच्चा मैं वो सारे इसके बाद ही पता लगेगा असेसमेंट का कि सारे एग्ज़ाम तीन चार इसने दिए इसके कैसे मार्क्स आते हैं। वो इंचार्ज इनके दूसरे टीचर हैं, इंचार्ज के पास पूरी आएगी वो, तब हो सकता है। ऐसे देखो बच्चे हमारे अपने, मैं अपने पक्ष के लिए कोई गलत वो आरोप लगाते रहे कुछ भी करते रहे, हम किसी बच्चे के बारे में ऐसा नहीं करेंगे, हम टीचर हैं। यदि अपने स्कूल की बात करें, एजुकेशन की बात करें, किस प्रकार के बच्चे के अंदर एजुकेशन दी जाती है, किस प्रकार की उनको शिक्षा दी जाती है? यहाँ पे कोशिश यही की जाती है कि बच्चों को जो सिलेबस है उसके अलावा कुछ मॉरल एजुकेशन भी दी जाए, मॉरल इनको नैतिक शिक्षा भी सिखाई जाए चीज़ें डेली। आप बच्चों से पूछ सकते हो या बाकी टीचर्स जो हैं प्रेयर्स के अंदर भी डेली या आगे पीछे भी जब भी क्लास में जाते हैं उनको ये चीज़ें बताई जाती हैं कि हमारे साथ नैतिक तौर पर भी मजबूत बनना ज़रूरी है। यहाँ पर ख़ासतौर पर ये गर्ल्स का स्कूल है, हम जब से दो चार जेंट्स टीचर आए हैं, बाहर भी आप पता कर सकते हो गलियों में इधर उधर भी जो कोई आते हैं लड़के वगैरह या उनको भी हम सख्ती करते हैं, स्कूल में बच्चों पे भी थोड़ा रखते हैं कि कोई तो आए तो हमें बताओ ऐसी कोई बात ना हो, तो उसके साथ साथ भी सख्ती बच्चों को प्रेयर में या वैसे ये भी कहा जाता है कि आपने अपना जो चरित्र है इसको मजबूत करना है, इस तरह की नकल की बात हो, चोरी की बात हो, कोई हेरा फेरी की बात हो, झूठ फेरी, इन चीज़ों से बचना है। शिक्षा का मेन उद्देश्य तभी पूर्ण होता है, सिर्फ सिलेबस कर लेने से या मार्क्स लेने से ही कोई हम ये नहीं मानते हैं। और मैं खुद समाज शास्त्र का लेक्चरर हूँ और ये आप किसी से भी बच्चों से अपने लेवल पे या टीचर्स कर सकते हो, सोसाइटी के बारे में मैक्सिमम जो हमें नॉलेज होती है, जो भी चीज़ होती है वर्ल्ड लेवल पे कोई दिवस मनाए जाने कुछ डेली बच्चों को कुछ ना कुछ इसी तरह की चीज़ें बताई जाती हैं और उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो एक अच्छे और जिम्मेदार और सभ्य नागरिक भी बने पढ़ने लिखने के साथ साथ। ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है और आप अक्सर ये भाई साहब जो हैं आते रहे। नाइन्थ क्लास का सोशल साइंस का पेपर था, इसके दौरान ये तो पेपर है सारा, ये तो दो कागज थी मैंने अटैच कर दी बीच में, कैंप लग रही ये नकल थी उसके पास पूरे के पूरे दो पेपर पा रखे थे और 50 सर ये वो जो बहाने बनाने वाले फिर बच्चा इतना पेपर कर लेता। होस्टल पे क्लास इंचार्ज ने कहा कि तुमने ऐसी हरकत करी है तो इसलिए भी तेरे को तो स्कूल में कई बार डांट में कह भी देते, मुझे नहीं पता क्या मैं आना तो लड़की जो कह रही है इसमें यूट्यूब में आप देख रहे हो कहती है मुझे वो उसके क्लास इंचार्ज कहा होगा बच्चा, लड़की ने इस डर में घर से कहा वो स्कूल नहीं आ रही थी, घर वालों को लगा भी अभी इसको बात उधर घुमाओ भाई प्रेशर बनाने के लिए पेट करने के लिए सारा काम किया जा रहा है, क्योंकि उनको हालांकि हमारे को पता है स्कूल के पेपर हैं कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये मतलब किस चीज़ का पेपर था? ये मंथली टेस्ट होते हैं। अच्छा ठीक है ये नकल थी ये दो नकल ये अच्छा मतलब नकल के लिए लेके ये दो कागज नकल के उसने पहाड़ के नीचे रखे हुए थे। अच्छा अच्छा जहाँ से सारा मटेरियल बना जहाँ से ये पकड़े गए जब तो मैंने ये जब ये पेपर ऐसे पेपर के साथ ना जैसे पेपर और ये लेने की कोशिश करी उससे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।